good morning student this is the next lecture for class 10th and student we are discussing the chapter light you all know uh, in previous lectures we were discussing about the image formation by the spherical mirror or plane mirror and i hope you will be understand about the image formation how to draw the image in the case of plane mirror in the uh, plane mirror or concave mirror or convex mirror सो स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला इस लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे एक्चुअली मिरर फार्मूला है क्या वो चीज़ समझ लेते हैं मिरर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जिससे हम क्या करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन जैसे अगर हम किसी मिरर पर इतने सेंटीमीटर पर रख रहे हैं तो हम इमेज की पोजीशन को बता सकते हैं कैलकुलेट करके ड्रा करके नहीं है कैलकुलेट करके भी दिखा सकते ड्रा करके तो आप बता ही सकते हो कि कहाँ पर इमेज बनेगा बट वो पोजीशन आपको बताना है कि कितने सेंटीमीटर पे बना कितने मीटर पर उसकी पोजीशन बना है तो बेसिकली ये मिरर फार्मूला एक ऐसा फार्मूला होता है जिससे हम क्या करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन की पोजीशन या इमेज की पोजीशन या ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फोकल लेंथ तीन तीन में से कोई एक चीज हम फाइंड कर सकते हैं ओके okay, तो जैसे अगर आपके पास ये कान के मिरर है हमारे पास कॉन्वेक्स या कोई भी मिरर ले, ले लेते हैं तो ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस होता है पोल होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये फोकस प्रिंसिपल फोकस तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे यहाँ पर रख रहे हैं अब ये आपको पता है कि मान लीजिए 20 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं ठीक है 20 सेंटीमीटर पर तो इमेज कहाँ बनेगा वो कितने सेंटीमीटर पे बनेगा जैसे अगर आप ड्रा करेंगे इमेज तो ये बिटवीन सी एंड एब तो बन जाएगा बट ये बताओ कि कितने सेंटीमीटर पर बना जैसे ऑब्जेक्ट यू ट्वेंटी सेंटीमीटर तो इमेज कितने सेंटीमीटर पे बना वो चीज़ें फाइंड करना होता है ठीक है तो वो चीज़ हम बता सकते हैं इस फार्मूले से अब इस केस में हमें करना क्या होता है तीन ऐसे क्वान्टिटी के बीच में रिलेशन दिया गया है फोकल लेंथ को जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के लेकर के जितनी डिस्टेंस होता है उसको यू से डिनोट किया जाता है यू से ध्यान देना इसको और जो इमेज बनता है इमेज से मिरर तक के डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं ठीक है और मिरर का जो फोकल लेंथ है फोकल लेंथ इसको तो एफ कहते हैं ये आपको पता है इन तीनों में रिलेशन को इन तीनों के रिलेशन को ही मिरर फार्मूला कहते हैं बेसिकली जो मिरर फार्मूला आपका है वो ये है वन बाई एफ इज़ इक्ल टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू ये फार्मूला मिरर फार्मूला कहता है दिस इज मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला और ये मिरर फार्मूला हम कब और कहाँ पे यूज करेंगे जब आपके पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता हो तो इमेज की पोजीशन निकाल सकते हैं या इमेज की पोजीशन पता हो तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम फाइंड कर सकते हैं जो एफ है वो फोकल लेंथ है फोकल लेंथ अगर देखें इनमें से तीन क्वांटिटीज़ हैं एक फोकल लेंथ है एफ को हम फोकल लेंथ कहते हैं यू को कहते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन फ्रॉम द मिरर जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं मिरर से ठीक है और वी को कहते हैं इमेज की पोजीशन, कहाँ पे इमेज बना है कितने सेंटीमीटर पर मिरर से लेकर के ठीक है तो अगर आपके पास इनमें से कोई दो पता है तो एक आसानी से फाइंड कर सकते हैं जैसे मान लीजिए आपको फोकल लेंथ पता है मिरर का और ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है तो हम इमेज की पोजीशन को बता सकते हैं कितने सेंटीमीटर पर बनेगा तो बेसिकली ये फार्मूला इसीलिए दिया गया है ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन एक्चुअल पोजिशन को बता सके कितने सेंटीमीटर पर है कहाँ पर है वो कैलकुलेट करके बता सकते हैं तो मिरर फार्मूला इसीलिए दिया गया है अब इस क्वेश्चन इस फार्मूले पे हम न्यूमेरिकल्स पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल वाले करने वाले हैं एक और पॉइंट ये टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं ये एक ऐसा टॉपिक है कि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट से इतना इम्पॉर्टेंस टॉपिक है, है कि ये हर साल एवरी ईयर इससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में मतलब तो न्यूमेरिकल्स इस फार्मूले पे आना ही आना होता है मतलब हर साल पूछा जाता है आप क्वेश्चन पेपर्स जब आप देखेंगे सैम्पल पेपर्स देखेंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे बोर्ड के तो आपको ये इस इस फार्मूले के बेस्ड पर न्यूमेरिकल्स ज़रूर आता है क्वेश्चन में तो बेसिकली ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया ठीक है अब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में यू पता है वी निकाल एप पता है वी डायरेक्टली हम ऐसे निकाल सकते हैं हमें एक और चीज़ देखना होता है यहाँ पे जो U है और V है F है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है क्योंकि इमेज इस तरफ भी बनता है और इस तरफ भी बनता है ठीक है वो चीज़ हम आगे बताएंगे अभी जब जब आप साइन कन्वेंशन पढ़ लेंगे साइन कन्वेंशन मतलब वी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा जब आप ये पढ़ लेंगे तब आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो इस लेक्चर्स में हम ये बात कर रहे हैं मिरर फार्मूला बेसिकली हम मिरर फार्मूले का यूज करके यू आ, V और F मतलब U का मतलब ऑब्जेक्ट की पोजिशन और V मतलब इमेज V मतलब इमेज की पोजिशन और F मतलब फोकल लेंथ इन तीनों में से कोई एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं अगर दो चीज़ गिवन होता है ऐसा क्वेश्चन में रहता है और ठीक है तो अगर मिरर फार्मूले को डिफाइन किया जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे बेसिकली सिंपल डिफिनीशन है द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर इस कॉल्ड एज मिरर फार्मूला बेसिकली यही आपका डिफिनीशन सिंपल डिफिनीशन द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑफ मिररर या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस और कॉल्ड एज मिररर फार्मूला अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे समझ में आएगा जब आप मिरर की बात कर लेते हैं मिरर प्लेन मिरर की बात करें अगर प्लन मिरर में फोकल लेंथ जो होता है प्रिंसिपल फोकस जिसको कहते हैं फोकस वो उसका इनफाइनाइट होता है ऐसा क्यों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे केस है ये केस इस मिरर फार्मूले में हम केस लिखते हैं आ, आपके पास ये प्लेन मिरर है सपोज दैट तो अगर कोई रेज आ रही है इस पर ठीक है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट नहीं करता है ना तो रे जो है वो इनफाइनाइट जाती है तो क्योंकि हमें ये पता होता है कि अगर कोई रेज फोकस प्रिंसिपल फोकस वहाँ बनता है ध्यान देना फोकस वहाँ बनता है जहाँ रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज हो जाए या डाइवर्ज होकर के अपियर पॉइंट हो जाए वो आप पढ़ चुके हैं तो उसे प्रिंसिपल फोकस कहते हैं लेकिन यहाँ क्या है अगर कोई पैरेलल रे आ रहा है तो उसी पे बैक रिफ्लेक्ट हो जाएगा वापस चला जाएगा तो ऐसे केस में रे जो रहेंगे वो आपके पास मिलेंगे नहीं जिसे दो पैर बहुत सारी पैरेलल रे अगर इस पर हम ड्रा करा जाए बहुत सारी पैरेलल रे अगर हम प्लेन मिरर पर ड्रा करें लेके जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सारे के सारे रे उसी लाइन पे चले आएंगे वापस तो सीधे चले जाएंगे तो कहीं मीट नहीं करेंगे जबकि आपका कान के मिरर में आपने देखा है कि अगर पैरल रे जाएगा तो एक फोकस पॉइंट पर ये क्या करता है कन्वर्ज कर देता है इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर में आपने देखा होगा कॉन्वेक्स मिरर में अगर रे पैरल जा रही है तो ये डाइवर्ज हो जाता है डाइवर्ज होकर के अपीयर होकर के मीट कर जाता है लेकिन यहां ना तो डाइवर्ज हो रहा है सीधे पैरेलल हो जा रहा है ना तो अंदर मिलेगा ना बाहर इस केस में इसका फोकल लेंथ नहीं होता मतलब फोकल लेंथ नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं कह सकते नहीं होता फोकल लेंथ इसका इनफाइनाइट होता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर ये फोकल लेंथ ऑफ मिरर इनफाइनाइट इनफाइनाइट का सिंबल ये होता है इनफाइनाइट का सिंबल ये इनफाइनाइट कहते हैं अब आपको एक चीज़ समझ आते हैं कि इस केस में अगर f की वैल्यू इनफाइनाइट रख दें ध्यान देना f की वैल्यू अगर इनफाइनाइट रख दें तो वन बाई इनफाइनाइट की वैल्यू होती है जीरो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो ये नोट पॉइंट मर के लिख लीजिए वन बाई इन्फाइनाइट की वैल्यू जीरो होती है अगर ये वन बाई इन्फाइनाइट जीरो हो जाएगा तो जो वन बाई वी है वन बाई यू इधर आ जाएगा तो वन बाई वी जो है वो वन बाई व्यू की इक्वल हो जाएगा अब देखिए कैसे अगर यहाँ पे हम f की वैल्यू रख दें ध्यान देना यहाँ पे अगर f की वैल्यू रख दें इनफाइनाइट तो वन बाई इनफाइनाइट दैट इज इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू बताइए पूरा जीरो हो जाएगा जीरो इक्वल टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू अब ध्यान देना वन बाई वी माइनस यू जो इधर आएगा तो प्लस वन बाई यू हो जाएगा वन बाई यू बराबर वन बाई वी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से देखो मिलेगा क्या ये v इधर आएगा तो u इधर आएगा तो वी इज्क्वल टू यू मतलब जो इमेज की डिस्टेंस होगी वही ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी ये आपने देखा भी है ठीक है मतलब अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन 10 सेंटीमीटर है प्लेन मिरर में तो इमेज में भी 10 सेंटीमीटर हो गए ये इक्वल होते हैं इन प्लेन मिरर में बट ऐसा स्पेरिकल मिरर में नहीं होता स्पेरिकल so, मिरर में क्या होता है कि अगर आप 10 सेंटीमीटर पे इमेज रख रहे हैं तो 20 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है 60 भी हो सकता है वो डिपेंड करता है कि फोकल लेंथ उसका कितना है किस जगह पर है फोकल लेंथ भी डिपेंड करता है लेकिन यहाँ फोकल लेंथ तो इनफाइनाइट होता है इसीलिए इमेज और ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम डायरेक्टली बता सकते हैं इन द प्लेन मिरर इस फार्मूले का यूज ही नहीं करना होता है प्लेन मिरर में ठीक है जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे प्लेन मिरर में है खड़ा तो उसका इमेज भी 10 सेंटीमीटर पे खड़ा रहेगा ठीक है ये तो सिंपल एंसर है बता सकते हैं लेकिन स्पेरिकल मिरर में नहीं होता तो ये फार्मूला बेसिकली स्पेरिकल मिरर के लिए ही बताया जा रहा है अब इस फार्मूले में हम स्पेरिकल मिरर में कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो चीज़ हम बताने वाले हैं इसमें स्पैरिकल मिरर में फोकल लेंथ जो है वो फिक्स्ड होता है जैसे फोकल लेंथ आपका अगर चेंज हो जाएगा तो इमेज की पोजिशन भी, भी बदल सकती है ऑब्जेक्ट की पोजिशन बदल सकती है ठीक है तो सिंपल पॉइंट ये है कि इस फार्मूले का यूज हम वहाँ करेंगे स्पेरिकल मिरर में तो इसलिए मिरर फार्मूले को आप जब डिफाइन करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं इन द स्पेरिकल मिरर द मिरर फार्मूला इज़ डिफाइंड एज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और कॉल्ड एज मिरर फार्मूला तो स्टूडेंट मिरर फार्मूले के बारे में आपको समझ में आ गया ये जो फार्मूला आप लिख रहे हैं अब आपको वहां पे यह भी बता देना है कि वेयर एफ क्या है वो चीज़ सब कुछ बता देना है वेयर वेयर एफ क्या है एफ इज फोकल लेंथ फोकल लेंथ ऑफ मिरर मिरर। स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल में कॉनके हो सकता है या कॉन्वेक्स होता है यू क्या होता है पोजिशन ऑफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर ऑब्जेट की पोजीशन होता है ठीक है और वी क्या है आप समझ सकते हैं पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज क्लियर है फ्रॉम द मिरर ये तो आपको पता है और स्टूडेंट ये टॉपिक आपका इस लेक्चर्स में क्लियर होता है अगले लेक्चर्स में हम बताने वाले क्या हैं कि इस टॉपिक्स इस इस फार्मूले का यूज करके हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इन द केस ऑफ स्पेरिकल मिरर कॉन्के मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर तो अगला लेक्चर्स में हम साइन कन्वेंशन के बारे में बताने वाले हैं क्योंकि मैं आपको बताया कि साइन कन्वेंशन जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलती रहती है कभी इमेज इधर बन सकता है चाहे इधर बन सकता है कॉन्वेक्स मिरर में इधर बन जाता है कॉन्म इधर है। तो यहाँ पे साइन चीज समझना ज़रूरी है ठीक है अगले लेक्चर्स में हम साइन कन्वेंशन और इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल की बात करने वाले हैं ओके सो रिवाइज इट